मेरी फैमिली में काफ़ी लोग हैं जो मेरे को टोकते हैं, बोलते हैं लड़का हाथ से निकल गया, या अपनी बीवी की सुनता है। सबसे बड़ा डायलॉग तो ये आता है, बीवी की सुनेगा हमारी की सुनेगा। जो भी हमारे अप्स डाउन्स हमें फैमिली में या लाइफ में अभी तक देखने पड़े हैं, ही इज़ बीन दैट बैकबोन टू मी। तो उसको ओवरटेक करना या उसको कॉन्कर करना मेरे लिए बहुत ईजी रहा है, बिकॉज माई हस्बैंड वॉज दैट सपोर्ट। One of my college friend was getting married to the guy whose best friend was Sunny. So, ideally in marriage we didn't connect, we didn't know each other, we had not noticed each other. But after that I had a New Year party where they were invited and he came with them. चांदनी का सिर्फ नाम सुना था, फिर चांदनी का मैंने चीखना चिल्लाना सुना, फेस नहीं देखा था, सिर्फ उसकी आवाज़ सुनी कि हाँ चांदनी नाम की कोई लड़की है जो चीखते चिल्लाते आती है। दैट्स व्हेन आई सॉ हिम फॉर द फर्स्ट टाइम। ही वाज अ वेरी क्वाइट गाय स्टैंडिंग ऑन अ साइड, नॉट डांसिंग और समथिंग, एंड दैट्स व्हेन ही क्लिक्ड मी, बिकॉज आई थिंक आई एम टोटली ऑपोजिट। आई लव डांसिंग, आई लव इंटरैक्शंस, सो इट्स लाइक इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट एंड देन कमिंग टुगेदर। सो दैट्स व्हेन आई थॉट ओके, ही इज द गाय हुम आई रियली वॉन्ट टू date and like maybe have a future with. तो एक शेयरिंग वाला जो कम्फर्टनेस आती है वो मेरे को उसके साथ आई। मेरे फैमिली में कुछ होता है या कुछ होता है, कुछ भी चीज़ है, मैं उससे खुल के शेयर कर सकता हूँ। 3.5 years and then we got married in 2020. So Sunny and his eldest brother, they stayed together in same house. He is also married. So a little problem came only in that terms where his wife would create problem and like, you know, there was that constant comparison. Before wedding, she acted very supportive and she's like, don't worry, we'll take care of the house together and everything. But apparently, right after wedding, everything changed. So whenever there were fights and she would want to come and talk to me, Sunny was always that barrier and that shield between her and me, and he was like, no sorry, आप directly बात नहीं करोगे, आपको करनी है आप मुझसे बात करो, आप मम्मी पापा घर में इनसे बात करके फिर आप बोल सकते हो, बट आप directly नहीं बात करोगे, because she used to yell and like use little offensive language, which was ideally I've not really been through. मैं से यही बोलता था पहले, अगर मेरी फैमिली को ले कोई भी दिक्कत है तो पहले तो मुझे बता दे कि हाँ यार ये बंदे से मुझे ये इसके पॉइंट ऑफ व्यू से दिक्कत है, तो मैं अपनी तरह से उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा, अगर नहीं होगी या कुछ होगा तो फिर आगे फर्दर उसके ऊपर बात करेंगे। जो भी हमारे अप्स डाउन्स हमें फैमिली में या लाइफ में अभी तक देखने पड़े हैं, ही इज़ बीन दैट बैकबोन टू मी। तो उसको ओवरटेक करना या उसको कॉन्कर करना मेरे लिए बहुत ईजी रहा है, बिकॉज माई हस्बैंड वॉज दैट सपोर्ट। इसने मेरे से बहुत पहले, शादी से पहले बोला था कि एक PhD है जो मेरे को करनी है। There was a time when I was like, I think I should not do it. And he was like, since the time we have met, it's been 6 years, I have been listening only to one thing, that you have to do PhD. And now you're saying you should give it up. I was like, I think so, because I won't be able to manage. And he was like, don't do that. मैंने कहा ड्रॉप नहीं करना, प्रॉब्लम जितनी मर्जी भी चल रही हो, ये तेरा ड्रीम बहुत पहले का है और ये करना बहुत ज़रूरी है, तेरे इनर पीस के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि PhD यहाँ करनी है। And I was like, when will I study? Because first semester you have to give exams, only then you become eligible for further PhD. And that's when it happened. He was like, we'll move to the nearby place. You don't travel that much. I'll travel. I'll go to my workplace, because ultimately I have business. I don't have the restricted working hours. So he was like, I'll do all that. आप बस कॉलेज से आना और आप पढ़ना. And I was like, कॉलेज से आके ठीक है मैं पढ़ूंगी, बट बाकी घर का फिर हमें टेक केयर करना। ही सेड डोंट वरी, आई थिंक ही इज अ हस्बैंड हु डजंट लेट मी डू एनी ऑफ द हाउस होल्ड एंड ही डजंट इवन मेक मी फील द नीड ऑफ इट। ही टेक्स केयर ऑफ क्लोथ्स वॉशिंग, ड्राइंग ऑफ देम, फोल्डिंग देम। ही इज द मेन सपोर्ट फॉर मी, सो दैट आई कैन वर्क, आई कैन स्टडी फॉर माई PhD एंड रियली फोकस ऑन दैट। आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर। मैं बोलता हूँ उसको हर जगह कि यार मैं चांदनी का हस्बैंड हूँ। ये बोल के ऐसे क्यों बोलते हैं यार मैं चांदनी का हस्बैंड हूँ, चांदनी का हस्बैंड नहीं बोलूँगा ना। तो मेरे को उस चीज़ में काफ़ी प्राउड है यार। लोग तो बहुत कुछ कहते हैं, लोगों की बात कब तक सुनेंगे,
अगर हम मेरे को अच्छा लग रहा है मैं ये तो बोलूँगा, मेरी फैमिली में काफ़ी लोग हैं जो मेरे को टोकते हैं, बोलते हैं लड़का हाथ से निकल गया, या अपनी बीवी की सुनता है, सबसे बड़ा डायलॉग तो ये आता है बीवी की सुनेगा हमारी की सुनेगा, तो इट्स ओके ठीक है फैमिली बोल रही हो अपनी जगह ठीक है, मैं अपनी जगह ठीक हूँ, मैं जो कर रहा हूँ मैं दोनों के लिए बैलेंस कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ वाइफ का सोचता हूँ उनका नहीं सोचता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं दोनों के लिए सोच रहा हूँ, तो मैं कहीं भी गलत नहीं हूँ, जब तक मैं अपने अंदर गलत नहीं हूँ मेरे को बुरा नहीं लगता किसी चीज़ का। What is your best memory together? हमारी शादी हुई वो भी एक बेस्ट मेमोरी है कि इतना कुछ था शादी की प्रिपरेशन कह लें, प्री शादी की जो भी चीज़ें थी वो सारे बेस्ट मोमेंट्स हैं, चाहे वो लड़ाई हो चाहे वो एक शॉपिंग हो या एक साथ में डांस प्रैक्टिस हो, एक बेस्ट मेमोरी है जो हम अभी भी वीडियोस देखते हैं तो एक वो आता है अंदर से ना। ऐसी कौन सी चीजें जो आप लोगों को साथ में करना बहुत पसंद है? खाना ट्रैवल दोनों ही रहता है क्योंकि हम दोनों फूडी हैं, देख के भी लग रहा होगा आप लोगों को, हमें खाना बहुत ज़रूरी है, हमें कहीं पर लगता नहीं यार कि यार ये खाना अच्छा है यार या कुछ भी है, तो हमसे कंट्रोल हम आज हमारा फास्ट है तो हमारा हमसे कंट्रोल नहीं हो रहा यार लेस का पैकेट रखा है यार कुछ रखा है यार तो कुछ खा ही लेते हैं, तो वो कंट्रोल और दोनों के अंदर कम है, ये मेरे से मैं इसको बोलता नहीं यार नहीं खाना यार तो छोड़ दे यार, तो ये मेरे से बोलती है तू भी छोड़ दे यार, तू छोड़ेगा तो भी मैं छोड़ पाऊंगी। Do you guys think that you complete each other? I think so. and I'm sure, I mean, you know, even in my family when we go and they're like you are the perfect match, we never imagine ki teko bhi koi control kar sakta hai ya tere sath bhi koi like you know aise match kar payega. Now he dances, he talks more than me by the way now. No. You do. My friends love his company more. When I am out with another friend or something, then he keeps the party up and he's dancing with them. So yeah, that's how we match each other. If you like our story, please like, share and subscribe to Hotterfly.